हिंद में तीर्थ यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए चमक है मेहर की है चमकौर तेरे जटों में सियारे यहीं से गए आसमां के लिए। तुसी मेरे गरीब का जहाज चढ़ाया सी आज मुझे जहाज से घूमने का भी मौका मिल जाएगा। तो ये तुसी हो जिन्होंने मेरे हथा दिया लकीरा बदली है। एक कहण पंथक लोग है लेकिन अकाली दल आए चाहे वह सुखबीर है चाहे मजीठिया चाहे प्रकाश सिंह बादल है ये राजनीतिक शीशे के हर चीज को देखते हैं। इन्होंने पंथ के नाल कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने लोगों को क्या पता है कौन है आम आदमी पंजाब का ते किस तरह गरीबी चो निकलना है किस तरह गरीबी चो लोगों को कढ़ना है। जो भी मसले है ये जरा सिंगा हाथ पे है ना इन्ना तकड़ा पा के पंजाब के मसले हल करांगा कि घर घर के लोग कहे घर घर के चली गल चली करना मसले सत्कार्यो बीबीओ भैनो ते भरावो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पहला चमकौर साहब की धरती से इतने का सेवादार होते हुए माननीय वित्त मंत्री जी का सरदार मनप्रीत सिंह बादल जी का माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का बाहरों आए लीडर साहबान का हल्के पहुंचने पर स्वागत करना। चमकौर साहब की धरती सिंधा शहीदा की धरती है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की चरण छो बराबर धरती है। इतने साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी ने मानवता दे देश ने कौम दे अपनी शहादत दिती अपने खून के नाल इस धरती को पवित्र किया। अल्लाह यार खान ने इस धरती बारे लिखे कि घर एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहां खुदा के लिए चमक है मेहर की है चमकौर तेरे जटों में सियारे यहीं से गए आसमां के लिए। सो आज बादल साहब तुसी इस धरती तो आए हो अते आए हो तुहाडा स्वागत है। मैनू तुसी हुणे गल कर रहे सी कि हत्थां दीआं लकीरां भी बदल जांदीआं। मैं आप अपनी जिंदगी च हत्थां दीआं लकीरां बदलदीआं देखीआं ते मेरे हथा दिया लकीर चमकौर साहब के सिंगा शहीदा ने ते मेरे सामने जेडे गुरपीर बैठे है चमकौर साहब के लोगों ने बदली है। मैं जब पहली बारी एम एल ए का चो इलेक्शन लड़िया चमकौर साहब को आजाद लड़िया ते मैनू चो निशान मिल गया जहाज जहाज यार मेरा तो कोई मेले नहीं सी मैं साइकिल वाला मिल गया चो निशान जहाज। मैं लोगों को हाथ जोड़ के एको गल कही थी ये चमकौर साहब के लोगों तुसी गरीब का जहाज चढ़ा दो एक बार ते मैं थोड़ा धन्यवादी हाँ चमकौर साहब वाले तुसी मेरे गरीब का जहाज चढ़ाया सी आज मुझे जहाज से घूमने का भी मौका मिल जाएगा। तो ये तुसी हो जिन्होंने मेरे हथा दिया लकीर बदली है।
ते मैनू चमकौर साहब का ही नहीं बल्कि पंजाब की सेवा करने का मौका मिल रहा। इत्थे आपां थीम पार्क बना रहे सिंधा शहीदों की याद दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का धन्यवादी हाँ कि उन्होंने ये बनाना शुरू किया, लेकिन उस तो बाद अकालिया की सरकार आ गई। मैं विधानसभा भी कई बार अकालिया कहा, प्रकाश सिंह बादल जी को कहा कि यार थोड़ा मेरे नाल बैर हो सकता है, थोड़ा कैप्टन अमरिंदर नाल बैर हो सकता है, कांग्रेस नाल बैर हो सकता है, लेकिन थोड़ा सिंधा शहीदों के नाल क्या बैर है? तुसीं उन्हां दी यादगार क्यों रोकते हो? लेकिन एक कह पंथक लोग है, लेकिन अकाली दल आए चाहे वह सुखबीर है, चाहे मजीठिया, चाहे प्रकाश सिंह बादल है, ये राजनीतिक शीशे के हर चीज को देखते हैं। इन्हों पंथ के नाल कोई सरोकार नहीं है, ये कुछ नहीं समझते पंथ को, ये बेअदबियां भी करा देंगे है, ये अपनी राजनीति सही रखना चाहते हैं, ये राज की कुर्सी पर बैठ के वो कढ़ाने हरकत कराते हैं जेड़ियां देखिया तो सुनिया नहीं जा सकदियां। इन्होंने 10 साल थीम पार्क का काम रोक के रखिया, मैं खुशी है कि हुण पूरा हो जा रहा है, तो इसे 14 तरीक को आप उद्घाटन कर रहे हैं। मैं अपना पूरा खून पसीना लगा के एक शानदार चीज पेश की है, जी 14 तरीक को ऐसी पंथ को समर्पित करा। सरकारी वीरों, मैं 15 साल एक बार सुनने हो गए जब तो मैं MLA बनया, तेरी जे मेले का फूल लग गए केर का कोई हला ही नहीं था, तो मेले का फूल आ गए कि जी मतलब रास्ता ता ए बड़ी भारी जरूरत थी, क्योंकि ये पहला बेले का पुल नहीं है, इधे नाल सिंधा शहीदा की धरती चमकौर साहब है, इधे नाल सिंधा शहीदा की धरती फतेहगढ़ साहब होनी है, इधे नाल गुरुद्वारा दुख निवारण पटियाले का जुड़ है, एक चेन बन रही है जेडी अमृतसर तक गुरु घर तक जानी है। ये गुरु घर छोटे भरावान बड़े भरावान के नाल हरिमंदर साहब के नाल पटियाले के नाल जोड़ने वास्ते बड़ी जरूरत, ये साढ़े हल्के की तरक्की का राह खुलना है, साढ़े इंडस्ट्री आनी है, साढ़े GT रोड बनना है, सारे पंजाब ने इस रास्ते में होकर दिल्ली जाए करना है, साढ़े आमदन के साधन बदने हैं, ऐसी दरिया तो पार के लोगों के नाल टुटे हुए से असी वह जुड़ना है, इसकी बहुत बड़ी जरूरत सी। सच कह के गए है साढ़े PWD मंत्री साहब, मैनू इन्ना मुख्यमंत्री बन का खुशी नहीं हुई जिन्ना एक पुल बना के खुशी हो गई, सच्ची मुची मेरी अखा आंसू आए है, लेकिन ये खुशी दे और ये जो काम होया है इसके वास्ते जे एक बंदे को किसी को फेरा देना हो सरदार मनप्रीत सिंह बादल, तीन माड़े चंगे आते रहते हैं, आ साड़ी सरकार दे विच नहीं कुछ सी, लेकिन ये पुल के बारे इन्होंने मैं कहा कि यार तू एक गल दस जी तू कराना चाहना जरूरी अपने हल्के वास्ते, मैं कहा जी बिजली का पुल बनाना चाहता, इन्होंने पैरवाई की पैसे पास किए, मेरे वीर PWD मंत्री ने एक गल संभालिया, तो अज 114 करोड़ रुपए के नाल पुल लगना है जिदा आप नहीं पता रखे, ये 33 करोड़ रुपया लग के पुल तो लैके मरंडे तक सड़क चौड़ी हो रही है जिड़ी कि डबल हो जानी है, कितने कितने 4 लाइन भी बननी है, वह सारा कुछ डिजाइन के बीच नहर के उपर पुल डबल करना है, ये ही है 114 करोड़ रुपए के उपर है, 33 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ी होनी है,
10 करोड़ रुपए का पुल लगना है। सो एक शानदार रास्ता साढ़े इलाके की दिख बदलने वास्ते सुंदर बनाने वास्ते ये साढ़े काम आ रहा है। इसलिए मैं मनप्रीत सिंह बादल जी का साढ़े पीडब्ल्यूडी मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा कि इन्होंने वही देन साढ़े इलाके दी। सो इलाके वाले हो सारे बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बड़ी मंग अपनी पूरी हुई है, परमात्मा ने कृपा की है कि यह साड़ी मंग सी ये साड़ी पूरी होगी। इसके यूनिवर्सिटी बन रही है, 97 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। बिल्डिंग का पहला लेंटर पै गया, अगले पैने शुरू हो गए। इस साल के 31 मार्च तक इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने का सुपना देख रहे हैं। तो बड़ी तेजी के नाल काम चल रहा है। यूनिवर्सिटी अज तक जलंधर है या पटियाले है या अमृतसर है चंडीगढ़ है, उस तो बाद अपने सरकारी यूनिवर्सिटी बन रही है 42 एकड़ के विच। इतने हजारा बच्चों ने पढ़ना है, इतों ही नौकरियां मिले करनी है। स्किल यूनिवर्सिटी बन रही है, बाहरले देशों के नाल इस यूनिवर्सिटी ने अटैच होना। 2 ITI कॉलेज बन रहे अपने हल्के, सड़क कोई नहीं छड़ी, कच्ची तो पक्की बना रहे। पक्या पहले साड़िया ठीक है, जड़िया तो नहीं है उन्होंने भी कर रहे। अज मैं धन्यवादी हाँ कि मैं खालसा स्कूल साढ़े पढ़िया। एक पार्टी का लीडर कहता कहता जी ये तो डुप्लीकेट आम आदमी आ गया। मैं कहता असली आम आदमी है। मैं दसिया मैं यार कोई होर लगता कर ये कोई करने वाली गल है। उन्होंने जो पूछे भी किस तरह गड्डे वाली चटनी बनती है या किस तरह पुदीने की चटनी गर्म रोटी बनाते स्वाद दिंदी है, कहीं देखिए इन्हों लोगों को क्या पता है कि बासी रोटी का स्वाद क्या है, ताजी का क्या है। मेरी बीबी मैं स्कूल से आया पांचवीं मैं अपने पिंड साढ़े घर के बाहर ही खूह है सामने नाल साडा चूल्हा सीगा गली के नाल ही चूल्हे पर छत नहीं होती अपने घर ना ही सी साढ़े तो मैं जब स्कूल के बच्चों आया बीबी रोटी पका दी मैं रोटी पहली रोटी खा ला मैं रोटी खाने लगे मेरे अज तक ये गल याद है। तो उन्हें बासी रोटी मैंने मक्की ही रख दी। मैं क्या मैं बासी नहीं खानी, मैं जी चूल्हे खड़ी है रोटी वो खानी। हूँ इन लोगों को क्या पता भी कि मक्की की रोटी चूल्हे से किस तरह खड़ती है। जेडे कहते जी अभी असली आम आदमी है। मैं क्या वो खाऊंगा जी तार के चूल्हे खड़ी करी है। कह नहीं मैं तेनों यही खिलानी। मैं क्या नहीं मैं नहीं खाता तू मैं तो खाऊ। आखिर में क्या होया बीबी मैं कहती भी चल ठीक है मैं तेनों अस भी वो खा दी जी ताजी पक रही है अंदर तेन आटा लिया कर दे। तुम्हें पता अंदर आटे के आटा रखवा के अपने एक मिट्टी के बनाए हुए होंगे मैं उन्हें तो आटा कट के बीबी को जाके दे। उन्हें मैं जी चूल्हे रोटी खड़ी सी वो दिखी मैं देखो मेरा भाई रोन लगे वो रोटी मैंने दिखती मैं खा ली। तो मैं बाद मेरी माँ ने दसिया कि देखा फिर भैन थी मैं किस तरह कहती जद तू अंदर गया सी मैं रोटी खड़ी कर दी सी रोटी मैं वही खिलाई उन्हें बासी लेकिन मैं भी खुश हो गया कि मैं असली रोटी खिलाई। सो ये चीजा इन्हों लोगों क्या पता है कौन होंगे आम आदमी इन्हों क्या पता कि इस तरह गरीबी के लोग कटते हैं साढ़े पिंडा के किस तरह किसान का मुंडा सवेरे तड़के से पानी लाने जाता है किस तरह जब लैट नहीं आती किसान का मुंडा तंग हों रात को खेतों के किस तरह साडा मजदूर रोज गोहा कूड़ा करके दिन कटता है। इन्हों लोगों क्या पता है कौन है आम आदमी पंजाब का ते किस तरह गरीबी चो निकलना है किस तरह गरीबी चो लोगों को कढ़ना है ये लोग नहीं जानते। ये सानू भरमाते सानू उकसाते सानू लड़ाते जातिवाद के नाम पर
धर्म के नाम पर। मैं दिल्ली दे विच गया, होम मिनिस्टर साहब नूं हाथ जोड़ के बेनती की कि मुख्यमंत्री जिहड़ा मर्जी बन जाए कोई पार्टी आवे मैनू कोई चो नहीं, लेकिन हाथ जोड़ के बेनती है मेरे पंजाब दे विच धार्मिक दंगे ना हो, एकता रहे लोगों के बीच, एक अधिक एकता रखो। तो सत्कारियो वीरो, मेरे जिनी ताकत है, मैं पिछले इलेक्शन के विच लोगों को कहा कि एक बार सिंगा नूं हाथ पैर दियो फिर जो कहोगे वह करना हो रहा कि नहीं, चमकौर जो तुम कह रहे एक ही काम हो रहा कि नहीं, हाथ खड़े करके दसो जो हो रहे सारे काम। तो मैं अज बेनती करना चाहना है सत्कारियो वीरो, एक बेनती करनी है कि मैं गरीब हो सकता है, गरीब परिवार से हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले है ये जरा सिंगा नूं हाथ पिया है ना, इन्ना तकड़ा पा के पंजाब के मसले हल करांगा कि घर घर के लोग कहे घर घर के चलीगढ़ चंडीगढ़ का मसले सारे मसले हल करांगे। बेअदबी का मसला सीधे राह पै गया, एस आई टी वाले ने जो करना कानून ने करना, जज तो परमिशन ले ली है बाबा तक पहुंचने, हाई कोर्ट से उन्होंने अपील करी कि जी नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट तो साढ़े वकील जीत गए, उन्होंने जेल जाके पूछने का इजाजत दे दी है। ना बेअदबी का मसला रहेगा, मेरे गुरु का मसला है, पंजाब की रूह का मसला है, इनू हल करके देवांगे। ना नशिया का रहेगा, साढ़े नशिया वाली पहल पिछले पांच छह साल को बादलों ने भी साढ़े वाले ने भी रोई रखी, साढ़े वकीलों ने अपनी सरकार के वकीलों ने दबारे को खुलने वास्ते पैसा कर लिया, लगातार खेचा रहे हैं। परमात्मा ने चाहिए तो 18 तारीख नैल खुल जानी है, लफाफा जोड़ा बन जाए वो तो पता लगेगा कि है कि ना मैं सौना, ना मैं उन्होंने सौन देना जिन्होंने नशा बेच के पंजाब के लोगों को गाले है, जिन्होंने पंजाब की जवानी गाली है। हिसाब किताब एक ही देना पैना है, भजन लग गए हैं भजन इन्होंने, लेकिन भजिए भी अभी भजन नहीं देने जिन्होंने पंजाब के लोगों को गाले। सो चमकौर साहब वाले हो तुम, मेरे माँ बाप हो, नानके मेरे मुकड़ौनिया, मैं इतने पैदा होया, वो टीवी वालों ने वो भी घर देखा जिसे मैं पैदा होया, दो खान का जिसे जमया अभी माँ के घर आके। सो एक थोड़ा विश्वास देना चाहता है, बहुत गलां नहीं करनी कि चमकौर साहब के लोगों की पगड़ी दाग नहीं लगन देवगा, ये तो मेरा विश्वास। ईमानदारी के नाल, नेक नीति के नाल पंजाब को रिश्वतखोरी खत्म कर रही है, पंजाब के लोगों को एक चंगा माहौल देना है। तुसी बाजार में जाके देखो, पूछो दुकानदारों नूं आ दिवाली आ पिछली दिवाली च क्या फर्क सी, किसे सिपाही ने किसे हौलदार ने किसे थानेदार ने किसे दुकानदार को ही नहीं जाके कहा भी चाको बड़ी हुई थी लियाओ इतने पैसे। पहला क्या करते थी, सवेरे जाके डंडिया नाल सारे नूं फाड़ता, उसके बाद हिसाब किताब हो गया, शाम सारे नूं पता ऐसी यह कुछ नहीं होया। चमकौर मेरे मुंडे कराली को पटाके खरीदे हर बार, रात को 11 बजे दिवाली को 2 दिन पहला पटाके खरीद गए, वो कहना चाहे हैरान हो गया भी मुख्यमंत्री के मुंडे भी कभी पटाके खरीदने लाए करते, घर जाते होंगे पटाके। चलो खैर कहते भी आए हो, इन्ना धन्यवाद उन्होंने, रात को 2 बजे आके मुंडिया ने मैं दसिया कि सारा कराली का शहर धन्यवाद कर रहा है
ਕਿ ਜਿਹੀ ਜੀ ਐਤੀ ਦੁਆਲੀ ਲੱਗੀ ਐਤੀ ਕਦੇ ਦੁਆਲੀ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਆਲੀ ਅਸਲੀ ਐਤੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾ ਬੜਿਆ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਖੇਤ ਜਿੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਦੁਆਲੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਦਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਐਲਾਨ 4 ਵਜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।